प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए। हेलो फूडाहोलिक्स, आज हम बना रहे हैं केक और ये केक हम सूजी रवा से बनाएंगे, आटे से बनाएंगे और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। बहुत सारे टिप्स दूंगी जिससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपने मेरी ये स्नैक की रेसिपी देखी, मैंने आलू से बहुत ही टेस्टी ये स्नैक बनाया था, तो आप ऊपर लिंक आ रहा है, ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट करना तो प्लीज़ ज़रूर मत भूलिए। यहाँ मैंने चीनी ली है पीसी भी 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम और रवा यानी सूजी मैंने 100 ग्राम के करीब ली है। तो केक के डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, टूटी फ्रूटी ली है और कोको पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच। आप कोई भी चॉकलेट को पीस के कोको पाउडर घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटर लिया है 1 बड़ा चम्मच और बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों मैंने 1.5 चम्मच लिए हैं। दूध मैंने 1/2 किलो लिया है और मलाई ली है मैंने यहाँ पे 100 ml के करीब, 1 कप के करीब मलाई ली है। अब मिक्सिंग बॉल में मैंने जो हमारा आटा था वो ले लिया है, सूजी और पीसी हुई चीनी 100 ग्राम थे सारे, और कोको पाउडर 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट को पीस के डाल सकते हैं। अब जो हमारा जो मिक्सचर था पूरा, इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ रह जाती हैं वो ना रहे, एकदम स्मूथ रहे पूरा। तो आप इसको अच्छे से, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से छान लें, और जो बड़े बड़े दाने हैं इसको आप अच्छे से हाथ से तोड़ के वापस से पूरा डाल सकते हैं। मैंने इसमें 100 ml के करीब मलाई डाल दी है, तो 100 ml मलाई। अब इसको, इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा पाउडर दोनों डाल दिए हैं, 1.5 चम्मच लिया था, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने हल्का सा दूध मिला लिया है। अब इसके अंदर आप तब तक दूध मिलाएंगे जब तक कि आपका बैटर नॉर्मल कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता। तो आप सब मुझसे पूछते हैं कि बेकिंग पाउडर सोडा दोनों मिलाने की ज़रूरत है, तो हाँ दोनों मिलाने हैं आपको। मैंने हल्की सी इसमें टूटी फ्रूटी मिला दी है, और टूटी फ्रूटी नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप इसको साइड में ढक के रख दीजिए। तब तक आप एक भिगोना ले सकते हैं या फिर आप कुकर ले सकते हैं, उसमें नमक या फिर मिट्टी डालिए, स्टैंड रखिए और 10 मिनट के लिए कम आँच पे ढक के इसको पकने दें। तब तक कि जो हमारा केक की टिन होती है उसके ऊपर आप अच्छे से बटर लगा लीजिए जिसमें आप केक बनाएंगे। कोई भी बर्तन ले सकते हैं आप, बटर या घी आप जो भी लगाना चाहते हैं ऊपर तक अच्छे से आप लगाएं, ताकि इससे आपका केक चिपकेगा नहीं। तो आप इस पर अच्छे से बटर या घी लगा दीजिए। अब इसके ऊपर आप हल्का सा मैदा से डस्टिंग कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। आप हल्का सा टैप करके पूरा मैदा ऊपर तक, ध्यान रखिएगा नीचे ऊपर चारों तरफ आपको अच्छे से, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आपको मैदा लगाना है। इससे आपका केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और जब आप इसको निकालेंगे टूटेगा भी नहीं। तो 10 मिनट बाद जो हमारा बैटर है उससे मैंने वनीला एसेंस मिला दिया 1/2 चम्मच। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, तो अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप रहने दीजिए। अब 10 मिनट बाद जब हमने इसमें सूजी डाली थी, इस वजह से जो हमारा मॉइस्चर है वो सूख जाता है, इसलिए आप इसमें वापस से दूध मिलाएंगे। तो मैंने इसमें मुश्किल से 1 कप के करीब वापस दूध मिलाया है, 1 छोटा कप, 50 ml के करीब दूध वापस से मिलाया है इसमें मैंने, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप देख सकते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो गई है। तो 10 मिनट बाद सूजी थोड़ा सा दूध पी लेती है, इस वजह से हम इसमें वापस से दूध मिलाते हैं 50 ml के करीब। अब मैंने केक टिन के अंदर जो हमारा बैटर था जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का था वो डाल दिया है। अब इसको आप अच्छे से टैप कीजिए और इसके ऊपर आप इसको सजा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, बादाम से सजा सकते हैं, टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं। तो हमारा केक तैयार है जाने के लिए कुकर में या फिर भिगोने में, आप जिसमें भी बना रहे हैं। तो वो भी 10 मिनट के लिए गर्म हो रहा था, कम आँच पे हमने इसको गर्म किया था ढककर। अब हमने केक इसमें डाल दिया है, इसको ढक के आपको 15 मिनट के लिए पकाना है मीडियम आँच पे, मीडियम आँच पे 15 मिनट तक। 15 मिनट होने के बाद आप चाकू से केक के अंदर डाल के देख सकते हैं, अगर आपका चाकू क्लीन निकलता है, साफ निकलता है, तो इसका मतलब आप केक तैयार है। और आपने देखा हमने इसको बनने के बाद 10 मिनट के लिए ठंडा होने दिया था और टिन से कितने आसानी से केक बाहर आ गया। तो इसलिए आपको जो हमारी टिन है उसको डस्ट करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से मैदे से, इससे आपका केक नहीं टूटेगा और आसानी से निकल जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी फ्लफी केक बना है, बहुत ही टेस्टी केक बनता है, मलाई की वजह से बहुत सॉफ्ट बनता है।
और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, हल्का सा भी गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो और भी परफेक्ट, जो हमारा बेकरी का केक होता है एकदम वैसा कंसिस्टेंसी आ जाती है इस केक की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, और नीचे कमेंट करना तो बिल्कुल ज़रूर मत भूलिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।